पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इखलाक अहमद ने कहा है कि कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए अस्पतालों के जो मुलाजमीन इंतकाल कर गए उन्हें भी शुहदा का दर्जा दिया जाए, ये लोग भी अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा देते हैं, हुकूमत उनके लवाहिकीन के साथ भी तआवुन करे। 50 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इखलाक अहमद का मजीद कहना था कि माजी में पैरा मेडिकल स्टाफ के इज्तमाही मफादात को तरजीह दी और अब ताज़ा दम और नई कुव्वत के साथ रुके हुए कामों को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। उन्होंने पैरा मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने एक बार फिर मुंतखब करके खिदमत का मौका फराहम किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अखलाक अहमद खान, मरकजी सदर सिंध पैरा मेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर मेंबर ग्रैंड हेल्थ अलाइंस 50 चैनल का इंतहाई मशहूर हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके चैनल को मज़ीद तरक्की कामरानी अता फरमाए। इलेक्शन सेवन पैरामेडिकल स्टाफ का हुआ है, उसमें हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोगों ने हम पर एतमाद किया है, सिंध पैरामेडिकल के लोगों ने हमें दोबारा नामज़द किया है, उस पर मैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ को का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध भर के लोगों का कि उन्होंने हमें हम पर एतमाद किया, हमें मौका दिया। इंशाल्लाह जिस तरह के हमने पहले पैरामेडिकल के इज्तमाही मफाद को तरजीह दी है, जिसमें टाइम स्केल है, सर्विस स्ट्रक्चर है, हेल्थ रिस्क अलाउंस है, तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करके दिखाया है और इंशाल्लाह अब जो चीज़ें हमारी टाइम स्केल और सर्विस स्ट्रक्चर रह गया है जो बकाया, अब उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह उस पर भी बिल्कुल ताज़ा दम हो के नई कुव्वत के साथ हम फिर इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह पैरामेडिकल स्टाफ को जो काम हमारे रह गए उनको पाया तकमील तक हमने पहुंचाना है, इंशाल्लाह वो भी पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ मैं अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई हमारा जो मोटो है, हमें मरीज़ और मुलाजिम के मफाद को देखना है, उनके मसाइल को देखना हमारा सिंध पैरामेडिकल का मोटो है। तो आपका मफाद सिंध पैरामेडिकल के प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख रहे हैं मुलाजमीन का, तो मरीज़ों के हवाले से मैं अपने लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं होगी। जैसा कि इस वक्त कोरोना की वबा सेकंड लहर में हम दाखिल हो चुके हैं और ये बड़ा सीवियर किस्म का ये अटैक हुआ है और उसमें जानलेवा साबित हो रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत जो है हमारी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रही कि स्टाफ को बढ़ाने की ज़रूरत है, लाजमीन की बहुत कमी है। तो हमारे कोरोना के पेशेंट हैं, स्टाफ के लोग हैं, उन्हें गब्बा सेट किया जाए और जो डेथ हो चुके हैं उन्हें शहीद कोटे के हिसाब से उनको शहीद कोटा मुख्तस किया जाए, उन्हें उनके फैमिली को उस हिसाब से उनको मामनत की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने हमारे CM साहब मुराद अली शाह साहब बड़े डायनेमेटिक पर्सनैलिटी के बंदे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे मामले आते हैं। मैं हेल्थ के हवाले से मैं अपील करूंगा, खुदारा हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें। सदर पैरा मेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन इखलाक अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील की कि वो महकमा सेहत को भी देखें और मुलाजमीन की कमी को पूरा करें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहाब आवान, 50 न्यूज़ कराची।